नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन के शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। मिशन हिमाचल को फतह करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से अब जुट गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने अपना पूरा जोर यहां लगाया है और पीएम मोदी ने आज एक वर्चुअल रैली को संबोधित किया। इसी क्रम में पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश की जनता को वर्चुअली संबोधित किया। संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पहले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में हर 5 साल बाद सरकार बदलने की रवायत थी, लेकिन अब बीजेपी ने उसे बदल दिया है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों ही जगहों पर बीजेपी के सरकार की वापसी हुई है। इसके अलावा पीएम मोदी ने यह भी कहा कि देश और हिमाचल प्रदेश का सही विकास केवल और केवल बीजेपी ही कर सकती है। तो मिशन हिमाचल में बीजेपी जुट गई है और इसी कड़ी में आज पीएम मोदी ने वर्चुअली एक रैली को संबोधित किया। तो उन्होंने कहा है कि हिमाचल में जयराम सरकार ने अच्छा काम किया। संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने ये बातें कही। युवा पीढ़ी के आशीर्वाद, हिमाचल के नौजवान, हिमाचल की बेटियों के आशीर्वाद, और ये साथ ऐसे ही निरंतर बना रहेगा। आपका ये जोश, उमंग, उत्साह निरंतर बना रहेगा, निरंतर बढ़ता रहेगा, ये मेरा विश्वास है। मैं फिर एक बार आप सबकी क्षमा चाहता हूं, क्योंकि आप सबके बीच आ नहीं पाया, मौसम के कारण रुकावटें आई, लेकिन हिमाचल का प्यार, हिमाचल के आशीर्वाद, हिमाचल के प्रति मेरा लगाव, उसमें तो कभी मौसम भी बीच में नहीं आ सकता है, मुसीबतें भी बीच में नहीं आ सकती है, और इसलिए आपके आशीर्वाद मेरे लिए हमेशा हमेशा एक बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ऊर्जा है। फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नौजवान, आप बहुत लंबी यात्रा करके आए हैं। हिमाचल में यात्रा करके आने का मतलब तराई के लोगों को अंदाज नहीं आता है कितना कठिन होता है, और पानी गिर रहा है। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना, आवश्यक जो भी प्रबंध, आप पहाड़ के लोगों को तो इतनी सारी टेक्निक भी मालूम होती है, अपने आप को संभालना, बहुत संभल करके घर वापस लौटना।